और सख्त बड़ी जो खबर आई, इराक के अंदर 9 साल की बच्ची के साथ शादी को लीगलाइज करने के लिए बिल पेश कर दिया गया। इराक के अंदर नौ साल बच्ची। आज हमने अगर इस पे आवाज ना उठाई तो यकीन कीजिए कभी कि कोई दिन, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, मेरे मुंह में खाक, हम भी ऐसी रो पिट रहे होंगे, हाय हमारी बेटी के साथ, हाय हमारी बहन के साथ ये सब कुछ हो गया। एक रिलीजियस बिलीफ अटैच हो गया कि पॉपुलेशन कंट्रोल करना तो गैर इस्लामी है। आई विल नॉट एड्रेस दैट बिकॉज़ रिलीजन की चीजों पे ज्यादा सेंसिटिविटी होती है। आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पे बकायदा एक तहलका मचा हुआ है और मुख्तलिफ तबकात की जानिब से मुख्तलिफ किस्म का रद्द अमल सामने आ रहा है। कह लें कि कौम इस वक्त दो नजरियात में तकसीम हो चुकी है, एक वो है जो कल्चर को तब्दील करना चाहता है नजरिया, और दूसरा जो रस्म और रिवाज रिवायत को थामे खड़ा है। वो तो चलो इराक में हुआ है, आप भी को पीछे तो नहीं, पाकिस्तान तो कभी पीछे रहा ही नहीं। कराची के अंदर किसी ने कब्र से निकाल के 55 साल औरत के साथ ज्यादती की। आलिया कहाँ से शुरू करूँ, अल्फाज नहीं है मेरे पास, इतना तशद्दुद कि किस किस्म के लोग होते हैं, लोगों की उन्होंने दिल आजारी की है, जज्बात मजरू किए हैं, खासतौर पर खवातीन के। बहसीत खातून, मैं इस वक्त ये हक समझती हूँ तमाम खवातीन की तर्जुमानी करते हुए, उससे जो हमारे मजरू हुए हैं जज्बात। भारत के अखबारों में, भारत के टीवी चैनल्स में हमारी जगह साई हो रही थी कि एक और स्कैंडल आ गया। इतनी बात अपने ईमान से कहता हूँ, मेरी अपनी गट फीलिंग है, मे बी आई एम रॉन्ग, बट बड़ी स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग है कि ऐसा और भी बहुत सी जगहों पे हो रहा है। हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का APN चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो जैसा कि आप जानते हैं और लगभग यह एक ट्रेंड सा बन चुका है कि पाकिस्तानी मीडिया से लगातार ऐसी खबरें आती ही रहती है जो न सिर्फ पाकिस्तानी सोच को उजागर करता है, उनकी मेंटेलिटी को उजागर करता है, बल्कि इसके साथ साथ पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा और पाकिस्तान का झूठ सामने आ जाता है। और कई बार तो ऐसी भी वीडियो आ जाती हैं, खबरें आ जाती हैं, जिससे खुद पाकिस्तानी मीडिया भी शर्मसार होता है। तो दोस्तों, आज एक ऐसे ही खबर पाकिस्तानी मीडिया से आ रही है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये जो पाकिस्तानी मीडिया के लोग और पाकिस्तानी हैं, हमेशा बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ह्यूमैनिटी मानवता की बातें करते हैं, दूसरे धर्म के लोगों को या फिर दूसरे देशों को नसीहत देते रहते हैं, लेकिन जैसे ही बात इनके धर्म से जुड़ी होती है तो सारे पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी चुप मार जाते हैं। और बाकायदा पढ़े लिखे नामी पाकिस्तानी मीडिया के लोग भी ये तो धार्मिक मामला है कह करके अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो को, जिसमें पाकिस्तानी एनालिस्ट कमर शीमा और मिस्टर तरार बातें कर रहे हैं इराक के अंदर एक लेटेस्ट बिल पेश किया गया उसके ऊपर। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सहयोग दें, थैंक यू। और सख्त बड़ी जो खबर आई, ये खबर मुझे बड़ी बुरी लगी अच्छी, मतलब मेरे दिल पे बड़ा। एक तो इराक के अंदर 9 साल बच्ची के साथ शादी को लीगलाइज करने के लिए बिल पेश कर दिया गया। इराक के अंदर 9 साल बच्ची, और वहां पे पहले 18 साल एज है, और वहां 22-24% जो है वहां पे शादियां हो रही हैं वो अंडर 14। और आज नया बिल जो पेश किया उसमें 9 साल की बच्ची। मुझे इंतहाई दुख हुआ है क्योंकि मैं खुद बाप हूं, मैं, हाउ डेयर यू डू दैट। फिर आप कहते हैं लोग इस्लाम से क्यों, ये इस्लाम के खिलाफ बातें कर रहे हैं। यू गिव देम अ मटेरियल टू डू इट। उसमें सिर्फ इराक ही नहीं है जी, मतलब जब मैं उस आर्टिकल उसके बारे में पढ़ रहा था, साउथ एशिया के अंदर ये, यहां भी और अफ्रीका के अंदर भी ये सारी प्रैक्टिस हो रही है कि अंडर एज शादियां हो रही, लेकिन 9 साल के, और फिर बेल पेश किया है एक असेंबली में कि इसको लीगलाइज किया जाए। ये एक बड़ी दुख की बात। वो तो चलो इराक में हुआ है, आप भी को पीछे तो नहीं, पाकिस्तान तो कभी पीछे रहा ही नहीं। कराची के अंदर किसी ने कब्र से निकाल के 55 साल औरत के साथ ज्यादती की। ये अभी की बात है, मतलब आज की बात है। डानिया बीबीसी ने इसके ऊपर रिपोर्ट दी, 55 साल औरत है, उसको निकाल के कब्र से, तो उसकी उसकी उसके साथ ज्यादती की गई है, 55 साल औरत है, उसके साथ ये हो रहा है, तो और पकड़ा गया बंदा। फिर उसने बताया कि उसको किस तरह पता लगता है कि कब्र फ्रेश है, क्योंकि वो फूलों से अंदाजा लगा लेता है जो कब्र के ऊपर फूल होते हैं। ये आपके हालात है आपके इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के। क्या बताऊं आपको कि मैं आज वो दो खबरें पढ़ी है मैंने, ये जब इन पे मैं रिसर्च कर रहा था तो आई वाज इंतहाई शॉक में था कि ये क्या कर रहे हैं। और फिर आप कहते हैं कि जब आगे हम अगली सदी में किस तरह एंटर होंगे, मेरे समझ नहीं आ रही कि हमने कहां जाना है, इंसानियत की तोहीन है। ये क्या किया है आपने, आपने अपने साथ ये क्या किया है, आप कौन हैं? इससे बड़ा सवाल तो ये, आप कौन हैं, आप कहां जाना चाहते हैं, आपकी डेस्टिनी क्या है? मैं तो इन सवालों पर फंस गया हूं आगे कि व्हाट इज इट। इतने 25 करोड़ लोगों में कोई भी ऐसा पाकिस्तानी नहीं है जो कहे कि मैं पाकिस्तान बचाना है, यार पीछे हट जाओ, मैं बचाऊंगा पाकिस्तान।
लेकिन बात यह है कि हम कैसे इस सोसाइटी में सर्वाइव कर सकते हैं, या हमारे जो आने वाली नस्लें हैं, जो लड़कियां हैं, और उसके साथ साथ जैसे ये आपने कहा कि बच्चा पैदा करने वाली एक लड़की मशीन बन जाती है एक टाइम पे, तो उससे पाकिस्तान की पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है, तो कैसे उस पर ओवरकम कर सकते हैं? पॉपुलेशन ग्रोथ की आपने बात की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. एक रिलीजियस बिलीफ अटैच हो गया कि पॉपुलेशन कंट्रोल करना तो वो गैर इस्लामी है. I'll not address that because religion की चीज़ों पर ज़्यादा sensitivity होती है. But वही बात है कि क्या ये ठीक है कि आप 10-10 बच्चे पैदा करें और उनमें से एक को भी आप पढ़ाने लिखाने के काबिल ना हो, वेस्ट की तरह सड़कों पर रुल रहा हो, चाइल्ड लेबर में पड़ा हुआ हो, पढ़ने लिखने के उसके पास पैसे नहीं है, लोग उसको जलील कर रहे हैं, आखिर में गुरबत गरीब से गरीब तर होती जाए वो फैमिलीज, क्या ये इस्लामी है? ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है. ये भी सोचना चाहिए कि अगर बच्चे कंट्रोल करना गैर इस्लामी तो क्या ये ठीक है कि हम बच्चों के साथ इस तरह का सलूक करते हैं उनको इस दुनिया में लाने के बाद. सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ. नामीन कल मैं सोशल मीडिया पे पढ़ी थी कि दो गरीब लोग जो हैं वो मिलकर शादी करते हैं, उसके बाद 10 गरीबों को पैदा करते हैं. अभी फिलहाल ये दिस इज यू नो यू हैव समराइज्ड इट कम्प्लीटली. बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं कि हम देख रहे हैं कि 90% से ज़्यादा पाकिस्तान में ख़वातीन जो हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हैं, और आए दिन हम कोई ना कोई नया जो है वो एक केस देखते रहते हैं. कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता, वो कहते हैं कि कुछ ढक जाते हैं, कुछ जो है वो दिख जाते हैं. इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, आखिर इसकी क्या वजह है? आपने बात की कि कैसे इसको रोका जा सकता है या क्यों है ये. मेरे ख्याल से आपने ये पूछा है कि क्यों होता है डोमेस्टिक वायलेंस. अगर हम उसके फैक्टर्स के ऊपर बात करें ना, तो वहाँ बहुत सारे फैक्टर्स. और एक तो यार पेट्रियार्कल कल्चर सबसे बड़ा मेनेस है सोसाइटी का. पेट्रियार्कल कल्चर क्या होता है कि एक ऐसा बिलीफ कि मर्द जो हैं वो अकले कुल हैं, मर्द के हाथों में सारे के सारे इख्तियार हैं, और मर्द की ये जिम्मेदारी है कि वो औरत को राह रास्त पर लेकर आए. अगर मर्द ने उसको रोका नहीं तो औरत तो बेराह रवि का शिकार हो जाएगी. पेट्रियार्कल कल्चर इस सारे मसले की जड़ है. मर्दों को फोकियत देना, औरतों को कमज़ोर समझना, और कमज़ोर समझते हुए, बेअकल समझते हुए, कम अकल समझते हुए औरतों के ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती करना, अपनी मर्जियाँ उनके ऊपर थोपना. दूसरा मसला फाइनेंशियल डिपेंडेंस का है. फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं सिखाई जाती लड़कियों को. मेरी अपनी कुछ दोस्तें ऐसी थीं जो कि इतनी टैलेंटेड थीं, बट जब भी उन्होंने काम करने की बात की उनके फादर्स ने ये कह दिया कि यार तुमने क्या करना है पढ़ के, तुमने क्या करना है काम करके. तो होता क्या है कि बैलेंस ऑफ पावर डिसरप्ट हो जाता है जब मैं कमाऊँ नहीं और मेरा हस्बैंड सारा कुछ मेरा जिम्मेदारी उठा के काम जो भी कर रहा है वो, ठीक है. दूसरा हमें क्या पता चलता है कि आप औरत को एक घर की मुलाजमा के तौर पे देखते हैं, और तीसरा हमें यह पता चलता है कि हम औरत को एक बेजुबान जानवर की तरह ट्रीट करते हैं, ना कि एक मुकम्मल इंसान की तरह. ये कुछ रीजंस हैं. चौथा रीजन सामने आता है ऑनर कल्चर. चाइल्ड मैरिजेस का मसला एक और रीजन डोमेस्टिक वायलेंस, क्योंकि चाइल्ड मैरिजेस बच्चों की कंसेंट के बगैर बचपन में उनकी शादी कर देनी, बेटी की शादी कर देनी बोझ समझ के उनको कि भाई यही काम है, क्योंकि औरत को तो यही समझावा ना बच्चा पैदा करना है उसने और घर वालों को खुश रखना है, दैट इज हर ओनली जॉब इन दिस लाइफ, मतलब वो इसीलिए पैदा हुई है.